आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। आज विभिन्न मंदिरों व धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 14 मई को गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। 6 तारीख को शिवाजी धर्मशाला से जो है यात्रा प्रारंभ होगी और शिवाजी धर्मशाला से प्रारंभ होकर सहारनपुर चौक, झंडे जी बाजार, रामलीला बाजार, रामलीला बाजार से धामावाला, धामावाला से पलटन बाजार, पलटन बाजार से घंटाघर से हम जो है चक्रोता रोड को घूम जाएंगे और चक्रोता रोड से होते हुए बिंदाल चौक से वापस तिलक रोड, भंडारी चौक से वापस जो है शिवाजी धर्मशाला में विश्राम लेगी। कन्याओं के विवाह में हमारे पंजीकरण जो है अभी चल रहे हैं, कुछ हमारे विचार दिए, चूंकि ये भी आप जानते हैं कन्या के विवाह में दो चीज़ हम विशेष रूप से देखते हैं, एक तो नीडी पर्सन हो, एक वो बालिग हो, तो वो कागज़ हमारे पास है। अभी इसके बाद जो निश्चित कन्याएं कितनी होंगी वो हम जो आयोजन के बाद बता पाएंगे। और 14 मई को विवाह होगा, अगर एक लिमिट संख्या में कन्याएं रहती हैं, जैसे 5 हैं, 7 हैं, तो हम मंदिर प्रांगण में ही करा लेंगे आयोजन, और किसी वजह से अगर कन्याएं बढ़ जाती हैं तो हमने वैकल्पिक व्यवस्था की भी है, तो बाहर भी हम कर सकते हैं। ये जो शोभा यात्रा है, ये अभी हमारा जो बालाजी सेवा दल के मुख्य परिचालक संजय गर्ग जी बताए कहाँ से जाएगा, कहाँ तक विश्राम करेंगे। ये सनातन धर्म के सारे आध्यात्मिक संस्था को इकट्ठी करके ये जो यात्रा निकाल रहे हैं देहरादून में, देवभूमि उत्तराखंड में, ये बहुत बड़ा स्वागत योग्य बात है। और हमारा सनातन धर्म का प्रतीकात्मक एक यात्रा निकल रहा है, इसीलिए ये वाला सेवा दल ये कार्यक्रम को कर रहा है। ये We'll be right back.